डियर स्टूडेंट्स, इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के लाइव क्लास में आपका स्वागत है। कोविड-19 महामारी के चलते आप अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसकी हम उज्जवल भविष्य की आपकी कामना करते हैं। मैं रवि सर मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। क्लास एर्थ का मैथ क्लास स्टार्ट करेंगे सर्वसम का, लेकिन मैं आपको याद दिला दूँ, इसके पहले आप क्लास 7 क्लास 6 में आप पढ़ चुके होंगे कि सर्वसमकाओं के बारे में, जैसे आप पढ़े होंगे a+b² इसके फार्मूले के बारे में पढ़े होंगे। ए प्लस बी में फर्स्ट एक प्रथम पद, बी जो होता है सेकंड टर्म, इसका होल स्क्वायर, तो आप पढ़े होंगे a² और प्लस b² और प्लस हो जाता है 2ab। सेम इसी तरह दूसरा आता है इसका a-b का होल स्क्वायर, इसका होता है आपका a² प्लस b² और माइनस हो जाता है 2ab। इससे आगे आपने पढ़ा होगा a² - b², आपने पढ़ा होगा a² - b², इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि एक ब्रैकेट में आप लिख लेंगे a+b, यानी a पहला पद और दूसरे पद को आपस में जोड़ लेते हैं, फिर दूसरे ब्रैकेट में आप लिखेंगे a-b, यानी पहले पद में से दूसरे पद को घटा लेते हैं। फिर इसके आगे आपने पढ़ा होगा a+b+c का होल स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा a+b+c का होल स्क्वायर होता है आपका a² + b² + c² और प्लस होता है आपका 2ab, प्लस होता है आपका 2bc और प्लस होता है आपका 2ca। ये आपका सर्वसमका है जो पिछली क्लास में आपने अध्ययन कर लिया है। जैसे आपका a+b का होल स्क्वायर आपका होता है a² + b² + 2ab, यानी अगर दो पद है, a और b दो पद है, तो प्रथम पद का वर्ग द्वितीय पद का वर्ग प्लस 2 * प्रथम पद * दूसरा पद, और दूसरा आपका a-b का होल स्क्वायर आपका होता है a² + b² - 2ab, और तीसरा आपका मैं बताया हूँ a² - b² = आपका होता है a+b और a-b। तीसरा आपका है, चौथा आपका है a+b+c का होल स्क्वायर आपका होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। आइए इसके बाद क्लास एर्थ में, आपने अभी तक स्क्वायर के बारे में पढ़ा है, आप इसका क्लास एर्थ में क्यूब के बारे में पढ़ेंगे, तो क्यूब के बारे में देखते हैं। आइए सर जी, इतना रिवाइंड कीजिए, तो इस पर क्लिक करें।